देखिए बेटा यही पॉइंट को हम आगे ले चल रहे, ये टॉपिक ठीक हुई, हम आगे बढ़ा रहे बेटा, आपको समझ गए, ये आपके पास आ गया इसी का ये। अच्छा आप सुनो बेटा, फाइव बॉन्ड पेयर में से हमारे पास चार सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4, फोर सिग्मा बॉन्ड, एंड आपके पास एक पाई बॉन्ड हो गया बेटा। ये बेटा फाइव बॉन्ड पेयर है लेकिन उनमें से चार सिग्मा और एक पाई है। एंड नाइट्रोजन क्वेश्चन कभी कभी पूछता कि क्या सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है, तो हमारा आंसर होगा नो, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन डजंट हैव एनी काइंड ऑफ लोन पेयर, ऑल ऑफ इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। ये भी हमें समझना पड़ेगा। HNO2 बोला, अब आप बना पाएंगे बेटा HNO2 क्या स्ट्रक्चर, ये N लिखा, देखिए ये OH तो लिखना ही है, O और H है तो पक्का OH। अब एक ऑप्शन बच गया बेटा इसके साथ डबल बॉन्ड O, ये चेक करेंगे। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, आउट ऑफ 5 3 आर इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो एक पेयर बच गया, इसके पास दो पेयर बच गए बेटा, इसके पास भी दो पेयर बच गए। अगर आप कोई पूछेगा इसमें आपको तो ये लोन पेयर कितने हैं करके पूछेगा बेटा, तो आपका आंसर होगा देखिए ये बेटा HNO3 में हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर पूछेगा, तो आपका आंसर हो गया बेटा देखो ये, तो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5, फाइव लोन पेयर आर देयर और आपके पास बॉन्ड पेयर चार हो गए, फोर बॉन्ड पेयर आर देयर, आउट ऑफ फोर बॉन्ड पेयर वन इज पाई बॉन्ड एंड थ्री आर द सिग्मा बॉन्ड, थ्री सिग्मा बॉन्ड एंड वन इज द पाई बॉन्ड, ये बेटा आपके पास आ गया। अच्छा बेटा अब यहां पर जो हम कर रहे हैं बिल्कुल यही स्ट्रक्चर है बेटा, बस यहां पर आप N लिखेंगे, ये O और ये O कर दिया आपने, इधर जगह नहीं मैं ऊपर कर रहा हूं, ये O, अब थोड़ा सा समझ पाएंगे बेटा आप लोग इस पॉइंट को। अच्छा एक पॉइंट और है बेटा बॉन्डिंग बनाने का, ये NO2 का हमने एडजस्टमेंट ऐसा कर दिया, N और O में से नेगेटिविटी O की ज्यादा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन कहां से आया हमें कुछ नहीं पता, कहीं से भी आया है तो N और O में से O पहले एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज हायर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, इट हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या लेस एबिलिटी टू गेन ड्यू टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, तो इसलिए बेटा आपके पास ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कहीं से आया तो इसके पास हो गया 6 और 1 7, ऑक्टेट पूरा करने एक की जरूरत है, एक डंडा मार दिया बेटा, यानी कि जिस एलिमेंट को जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है उतने डंडे मार दो, बॉन्डिंग पूरी हो जाएगी। इसके पास 6 थे, एक नेगेटिव आया, मींस कहीं से इलेक्ट्रॉन आया, तो 7 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक डंडा मार दो बेटा। अब देखिए इसके पास 2 की जरूरत है, इसके पास कोई और हेल्पिंग एलिमेंट नहीं है, तो इसको 2 की जरूरत है, सीधा 2 डंडे मार दो। इसका मतलब हो गया बेटा अभी भी इसके पास एक लोन पेयर बचा, 2 लोन पेयर इसके पास बचे, इसके पास इस नेगेटिव को मिला के 6 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6, इसके पास 7 थे, 7 में चाहिए 6 और एक बॉन्डिंग में गया बेटा। तो आप इसमें आप अगर आप कोई पूछता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 1 2 3 बॉन्ड, तो उसमें से भी आपके पास लोन पेयर 1 2 3 और 3 6, 6 लोन पेयर आर देयर एंड 3 बॉन्ड पेयर आर देयर, और 3 बॉन्ड पेयर में से भी आपके पास अगर हम डिस्टिंग्विश करते हैं बेटा 2 आर सिग्मा बॉन्ड एंड 1 इज पाई बॉन्ड, ये बेटा आपके पास। अच्छा बेटा NO3 माइनस बनाते हैं, तो NO3 माइनस का मतलब N हो गया, ये अगेन O नेगेटिव सीधा लिख देता हूं आप, और ये डबल बॉन्ड O और एक ऑक्सीजन के साथ बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड O आएगा NO3 नेगेटिव, तो अगेन आपके पास लोन पेयर आप देखेंगे यहां 2 है, हियर द 3 लोन पेयर आर देयर, हियर अगेन 3 लोन पेयर आर देयर, नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। अब इस केस में भी अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास लोन पेयर आ गए 3 + 3 6 और 2 8, 8 लोन पेयर आर देयर एंड बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर आर देयर, आउट ऑफ 4 बॉन्ड पेयर 1 इज पाई बॉन्ड एंड 3 आर सिग्मा बॉन्ड, ये बेटा आपके पास लॉजिक हो गया कि HNO3 के हमने बहुत सिंपल क्वेश्चन से शुरू किया बेटा ये N के। अब हम थोड़ा सा लूज्ड, अब हमने बार बार ये नहीं बताना बेटा आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, आप निकाल सकते हैं जितने बॉन्ड टिकेंगे उसके हिसाब से कितने सिग्मा कितने पाई, हिंट था कि सिंगल बॉन्ड का नाम सिग्मा है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई है बेटा, थोड़ा सा आपको कनेक्ट करना है, समझना है कैसे हुआ करके। अच्छा अब बात है बेटा, हम थोड़े से बड़ी चीज में पूछता है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था बेटा,
लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर एडवांस में आपको यही क्वेश्चन पूछा, 19 में भी बेटा 20 अब होगा, आपको समझना है। तो पॉइंट ये है, आपको समझना है कि उसने पूछा नंबर ऑफ लोन पेयर, तो मैं अब हमने चार लिख दिए थे, मैंने 5 लिखा बेटा, N2O लाफिंग गैस आपको मालूम है। नंबर 6 इट शुड बी न्यूट्रल बेटा, ये न्यूट्रल होता है, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर नहीं होता इसमें। N2O3 N2O4 बेटा N2O5 ये डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर देयर। अच्छा आपको एक बात क्लियर करनी थी कि आप कहीं पर भी डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड का अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे, आपको पूछेगा इनमें सब से मोस्ट एसिडिक कौन है, तो जिसमें जितने ज्यादा फ्री ऑक्सीजन होंगे बेटा, ये ऑप्शन 5 है, मोस्ट एसिडिक, लेस एसिडिक, लेस एसिडिक, लीस्ट एसिडिक। दूसरी भाषा में एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन नंबर, इसका ऑक्सीजन नंबर +5 +4 +3 +1, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा किसी से लोन पेयर एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होने की वजह से सबसे बड़ा लुईस एसिड है बेटा। अभी बात करेंगे बेटा उसके, लेकिन अभी आया तो मैंने थोड़ा, अभी हम पढ़ रहे बेटा इन सब में नंबर ऑफ लोन पेयर कितने और बॉन्ड कैसे बनेगा, किस किस का बॉन्ड है। अगर कभी कभी मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता बेटा ये वाला, हाउ मेनी ऑफ दीज, ये चार ऑप्शन है, हाउ मेनी ऑफ दीज हैव एन एन सिंगल बॉन्ड, ये भी पूछता बेटा एन एन सिंगल बॉन्ड किस किस में है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। तो हमारे पास थोड़ा सा लॉजिकली क्लियर करते हैं बेटा, N2O में थोड़ा चेक करेंगे बेटा आप N2O, ये बेटा हमारे पास N2O के दो डायग्राम होते हैं बेटा, एन 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 ओ। एक हिंट बता रहा था मैं आपको, पहले क्लियर करना बेटा, इसके दो डायग्राम बनाएंगे मैं, दोनों बनाऊंगा। अच्छा आपको लास्ट एलिमेंट से शुरू करना है बॉन्ड बनाने के लिए, वो डॉट नहीं दिखाना है आपको, डायरेक्ट बॉन्ड बचे हुए इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे आप। हमें थोड़ा सा कोशिश करो बेटा रिमाइंड करने की, इस ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन का एटम नंबर 8, फर्स्ट सेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेकंड सेल यानी वैलेंस सेल, इट स्टिल रिक्वायर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमें इतना मालूम चलना चाहिए कि जिस एलिमेंट को जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है जस्ट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, फॉर हाइड्रोजन इट विल बी डुप्लेट, लेकिन बाकी सब ऑक्टेट के लिए उतने ही डंडे मारने आपको। तो जैसे इसको 2 की जरूरत है, 2 डंडे मार दो। अब देखो इसको 3 की जरूरत है, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए बेटा ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए बेटा हमने यहां पर इसके हिसाब से बनाया, तो यहां पर डबल बॉन्ड मैक्सिमम बन सकता है। तो आप चेक करेंगे बेटा इसके बाद 5 थे इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स 2 आर पार्टिसिपेटिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, इसके बाद 3 बच गए, ये देखिए। अच्छा दूसरा, इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 हर बॉन्ड में 2 होते हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8, इसके बाद 5 थे, 1 बचा हुआ है बेटा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं बच सकता, वो फ्री रेडिकल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसने गिव अप करना पड़ेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बेटा, इसने एक इलेक्ट्रॉन गिव अप किया, तो जो इलेक्ट्रॉन इसने गिव अप किया वो ये एक्सेप्ट करेगा, तो हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज यहां आ गया बेटा, ये एक्सेप्ट, देखो आप सबके पास ऑक्टेट पूरा हो गया, ये एक माइनस एक प्लस कैंसिल, अगेन न्यूट्रल कंपाउंड N2O बन गया बेटा, एक स्ट्रक्चर, इसी का बेटा दूसरा स्ट्रक्चर किस। अच्छा मैं एक चीज और दिखा रहा हूं, देखो इसके बाद लोन पेयर 2 बच गए, तो इसमें बॉन्ड पेयर देखेंगे बेटा, इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा बना रहा हूं बेटा मैं, कैसे बन सकता है करके, तो आपको समझना है दोनों स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर सेम होना चाहिए बेटा। जैसे ये स्ट्रक्चर बना, मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर करता हूं, एन एन ओ। अब मैंने यहां से शुरू किया बेटा, अभी हमने बोला था इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 2 डंडे मार दो। अब हम यहां करेंगे, इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन, स्टिल 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो टर्मिनल नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ये देखिए 3 बॉन्ड। अच्छा इन दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया देखिए, तो इसके बाद लोन पेयर बचा बेटा, इसके बाद में लोन पेयर बचा। अब इस लोन पेयर की जरूरत किसको है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और नाइट्रोजन को अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो इसके ऑक्टेट पूरा हो गया, तो अब इसके साथ ये इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा बेटा, तो इसके लोन पेयर आ जाएंगे बेटा 2 2 4 और 2 6। अच्छा चेक करेंगे आप इस वाले में और उस वाले में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर इक्वल होनी चाहिए, चेक करेंगे ये 2 बॉन्ड और ये 2 बॉन्ड, यानी कि 4 बॉन्ड हो गए, उसमें से 2 सिग्मा और 2 पाई, और इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर 2 और 2 4, यानी कि 4 बॉन्ड्स एंड 4 लोन पेयर्स आर देयर इन N2O। यहां पर भी देखेंगे 4 बॉन्ड, 1 2 3 4 बॉन्ड एंड 4 लोन पेयर, 1 एंड 3 4 लोन पेयर देयर,
सेम प्लस। अब दूसरा पॉइंट, इसमें दो सिग्मा दो पाई थे, यहां पर भी बेटा ये सिग्मा और दो पाई सब कुछ सेम है, तो ये भी स्ट्रक्चर सही है बेटा, वो भी स्ट्रक्चर सही है, कैसे भी बना सकते हैं आप। अच्छा बेटा N2O3 का डायग्राम में एक हिट है बेटा, जब भी सेंट्रल एलिमेंट दो बार है और उसके साथ एसोसिएटिंग ऑक्सीजन अगर ऑड नंबर में होता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल एलिमेंट अगर दो टाइम दिखता है, केवल दो, ट्वाइस, एंड एसोसिएटिंग ऑक्सीजन आर इन ऑड नंबर, नॉट वन, ऑड नंबर का मतलब यहां पर 3, 5, 7, 9 इस टाइप का, इन दोज केसेस ऑल हैव अ अल्टरनेटिव पैटर्न। कहीं पर भी जैसे ये N2O5, N दो बार है, ऑक्सीजन 5 बार है, तो ऑड नंबर हो गया, तो इनका अरेंजमेंट हमेशा अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे अल्टरनेटिव का मतलब हो गया आपके पास O N O N O, एक और डायग्राम बनाएंगे वो अलग बात होगी। नॉर्मली बेटा कभी भी अगर हमने इसका, ये नाइट्रोजन एनहाइड्राइड है बेटा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर ये निकालने के लिए बेटा आपके पास बॉन्ड बनाने के लिए जब भी सेंट्रल एलिमेंट दो बार होगा और एसोसिएटिंग ऑक्सीजन अगर ऑड नंबर में होता, तो इनका हमेशा अरेंजमेंट अल्टरनेटिव बनाएंगे। अब आप अल्टरनेटिव बनाने के बाद ध्यान से सुनेंगे बेटा कितने हैं, इसकी इससे शुरू किया, इसको लास्ट एलिमेंट यही है, या उधर से शुरू करो आपकी मर्जी है, चलिए उधर से शुरू करते हैं। इस ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको दो की जरूरत है, दो डंडे, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 है, इसको दो वहां से मिल गया तो एक डंडे की जरूरत पड़ी, इसके बाद दो की जरूरत पड़ती है, एक डंडा उधर से, एक डंडा इधर से, अब इसको दो की जरूरत है, ये दो डंडे बेटा आपके पास, ये बॉन्ड बन गया देखो, तो आपके पास यहां बचे हुए इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, यहां एक पेयर बचा, यहां पर दो पेयर बचे, यहां पर लोन पेयर 1 बचा, यहां पर आपके पास दो लोन पेयर बचे। इसका मतलब इस पूरे उसमें अगर हम देखते हैं बेटा, मैं और इसका स्ट्रक्चर और बनाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है दूसरा बने, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया बेटा, एन N O O N, हमने लिखा बेटा ये O, ये देखिए हमने एक और स्ट्रक्चर में O लिखा दिया। अब चेक कर लेते हैं बेटा, इसको दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत, दो फिर एक फिर दो, और इसके साथ कोऑर्डिनेट, अगर ये बन रहा है, यहां पर दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है बेटा, एन एन के बीच में बॉन्ड बन भी रहा है और आपके पास NO N का बॉन्ड भी बन रहा है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये दोनों डायग्राम सही है। लेकिन दोनों डायग्राम को सही तब मानेंगे जब इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर जितने हैं, जितने सिग्मा एंड पाई बॉन्ड है, वही सब यहां पर भी होना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं। इसका ये 2018 एडवांस बेटा क्वेश्चन आपके पास यहां से आया होगा, हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर इन N2O5, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में भी आता बेटा ये, तो आप पहले मुझे बताएंगे सिग्मा पाई बॉन्ड, तो ये 2, 3, 4, 5, 6 6 बॉन्ड्स आर देयर, जो आपके पास है बेटा, जो आपके पास 6 बॉन्ड पेयर है इसमें, और 6 बॉन्ड पेयर में से भी आपके पास 1, 2, 3, 4 4 सिग्मा बॉन्ड है बेटा, और आपके पास बेटा 2 पाई बॉन्ड है, और इधर चला मैं सीधा, यहां पर भी बॉन्ड देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बॉन्ड पेयर आर देयर, आउट ऑफ 6 बॉन्ड पेयर्स 1, 2, 3, 4 4 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड इज देयर। अगर बेटा हम इसमें लोन पेयर की बात करते हैं, तो लोन पेयर गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 होनी चाहिए बेटा, एक बार चेक करेंगे आप, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके पास है, तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्योंकि इसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आए, तो जो आपके पास लोन पेयर हो गया बेटा वो हो गए 8, और यहां पर भी गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 लोन पेयर्स आर देयर। इसका मतलब बेटा दोनों ही ऑप्शन सही है आपके पास, इसका डायग्राम N2O3 का ये भी बन सकता है, N2O3 का डायग्राम ये भी बन सकता है। लेकिन अगर पूछेगा N2O3 में क्या NON बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हम बोलेंगे हाँ NON भी हो सकता है। अगर ये पूछे क्या NN बॉन्ड हो सकता है, हम बोलेंगे हाँ NN के बीच में बॉन्ड हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन को ये टैली करेंगे। यहां पर देखिए बेटा N2O4 में यहां पर नाइट्रोजन 2 बार है, ऑक्सीजन 4 बार है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 बार जब ऑक्सीजन आएगा और ये 2 बार, तो ये इवन नंबर हो गया बेटा। इवन नंबर का डायग्राम कभी भी अल्टरनेटिवली प्लेस नहीं होगा, ऑड नंबर होने पर अल्टरनेटिव, ऑड फॉर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, इवन फॉर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं है। यहां पर दोनों मेन एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे ही, तो ये एक डायग्राम बन जाएगा बेटा एन एन, और ऑक्सीजन 4 है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दो ऑक्सीजन यहां, दो ऑक्सीजन यहां, इसका मतलब हो गया बेटा आप इसको दो की जरूरत है, दो डंडे,
इसको आप दो की जगह पर, तीन की जगह पर दो इधर से बॉन्ड बन गया एक, और इधर दो की देने पड़ा, बिल्कुल फिक्स। अब देखिए इसके बैलेंस से तीन हो चुकी है, इसका ऑक्टेट पूरा हो चुका, तो बचे हुए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इसका भी क्या बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपके पास रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर, ये देखो गिनेंगे आप दो दो, ये आपका सिक्स, ये दो पेयर बेटा और ये भी दो पेयर, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर अवेलेबल आर थ्री और थ्री सिक्स और फोर, आपके पास आगे बेटा सिक्स और फोर टेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर देयर, एंड बॉन्ड पेयर गिनेंगे बेटा वन टू थ्री फोर फाइव सिग्मा बॉन्ड एंड दो पाई बॉन्ड, वो बार बार निकालेंगे उन्होंने एन टू ओ फाइव। अब चेक करो एन टू ओ फाइव में आपके पास N और O, N दो बार है, ऑक्सीजन पांच बार है, यानी कि इवन नंबर नहीं है बेटा, ये ऑड नंबर है। जब भी ऑड आएगा और मेन एलिमेंट दो बार होगा तो कहीं पर भी अल्टरनेटिव डायग्राम बनेगा। अल्टरनेटिव डायग्राम का मतलब हमारे पास अगेन आ गया बेटा O N O N O, ये तो बनना ही है। अब देखिए तीन ऑक्सीजन दो नाइट्रोजन, तो बचे हुए एक ऑक्सीजन और ऊपर जगह नहीं है, ये ऑक्सीजन बेटा। अब यहां से शुरू करें, इसको दो की जरूरत है, दो डंडे एक एक और वो दो, इसके बाद वैलेंसी, ये बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बेटा आपके बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप इस दिखा देंगे दो पेयर, ये द थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यहां पर दो क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई इसकी शेयरिंग नहीं हो रखी बेटा, ये टू इलेक्ट्रॉन्स आर देयर और आपके पास ये दो इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर गिनेंगे तो हम गिन के बता देंगे बेटा। अब क्वेश्चन ये था बेटा इसमें एज ए होल क्वेश्चन ये था, ये तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर और सिग्मा पाई बॉन्ड निकल दिया। अब था बेटा एक और क्वेश्चन, इन दीज, मैं यहां पर क्वेश्चन नोट में लिख देता हूं, हाउ मेनी ऑफ दीज हैविंग एन एन सिंगल बॉन्ड, ये बड़ा क्वेश्चन बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेटा, हाउ मेनी ऑफ दीज हैविंग एन एन बॉन्ड बेटा, क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी ऑफ देम, इंटीजर टाइप क्वेश्चन अगेन। अब मुझे बताएंगे N2O में और इसमें आपको लगेगा कि NN का बॉन्ड या तो यहां है ये NN, और या फिर आपको बात लगेगा NN का बॉन्ड यहां है, बेटा ये नहीं पूछ रहा ऐसा, वो जे का क्वेश्चन पूछ रहा बेटा, NN बॉन्ड का मतलब N और N के बीच में सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहा हूं, और सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है मालूम है आपको, ये या यहां बोलेंगे बेटा ये सिग्मा है तो ये पाई बॉन्ड दो बचे हुए हैं, तो सिग्मा बॉन्ड तो इनमें भी है, तो यानी कि एक एनएन का बॉन्ड यहां हमें गिनना पड़ेगा, एक एनएन का बॉन्ड यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये का दो स्ट्रक्चर थे उसमें से एक इसमें एनएन का बॉन्ड है और एक एनएन का बॉन्ड यहां पर भी हो सकता है, बस यहां पर कभी नहीं हो सकता है। तो आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन N2O N2O3 एंड N2O4 हैव एनएन बॉन्ड, NN bond इन तीनों में बेटा, तो 3 इज आंसर, हाउ मेनी ऑफ दीज ऑफ NN bond, आंसर इज 3 बेटा, ये जो सॉल्यूशन है बेटा वो 3 हुए, और 3 कौन-कौन से हुए आपके सामने रखा बेटा, N2O N2O3 एंड N2O4 ऑल हैव NN सिंगल bond, ये बेटा आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालने का नाइट्रोजन फैमिली के हमने डिफरेंट टाइप के लॉजिक्स लिए बेटा। अब हमारे पास आएगा बेटा अगला पॉइंट, थोड़ा सा चेक करना आपको अगला पॉइंट को, ये देखो बेटा इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम यहां पर, अगर हमको अगला पॉइंट पूछे बेटा, हमने 6-7 लिखे बेटा 8 जो भी है, उसके बाद मैंने दोबारा लिखा बेटा नंबर 1, ये बेटा फास्फोरस वाले सेम ग्रुप के H3PO4 एन फैक्टर पूछेगा, बेसिसिटी पूछेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, कुछ भी पूछ सकता है बेटा। अच्छा एक पैटर्न है इसके लिए, ये पैटर्न आपको वैसे भी समझना पड़ेगा बेटा, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम लिख के देता है बेटा तो आपको स्ट्रक्चर नहीं देता, तो कभी कभी स्ट्रक्चर निकालने के बाद, तो एक पॉइंट है बेटा H3PO4 इसका नाम याद करना है बस आपको, ये बल्कि इसका स्ट्रक्चर अभी बनाते हैं बेटा, H3PO4 इज नेम्ड एज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, नाम है बेटा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अब देखिए इसके नाम कैसे बदलते हैं, ये यही नहीं सभी जगह पर इनऑर्गेनिक के नाम ऐसे रखते हैं हम लोग, तो आपके पास एक ऑक्सीजन कम कर दी थी माइनस ओ लिखा मैंने, तो आपके पास बच गया बेटा H3PO3, मैंने टिक किया, इसका नाम याद करना है बस, हमने जिससे टिक किया उसका नाम याद करना है बस, तो इसके बाद एक ऑक्सीजन कम होता है, ये बच गया H3PO4, इसका नाम ऑर्थोफॉस्फोरस हो गया बेटा, ऑर्थोफॉस्फोरिक की जगह पर फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड,
अच्छा, इसमें से एक और ऑक्सीजन कम करिए आप, तो ये बन जाएगा H3PO2। ये देखिए H3PO2 बन जाएगा बड़ा, ये बन जाएगा बड़ा H3PO2। अच्छा बड़ा, H3PO2 का नाम होगा बड़ा हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अच्छा चेक करेंगे, जब हम लेफ्ट साइड को आ रहे हैं, एरो देख लेना बेटा, ये सब ROUS वाले। H3PO4 में से एक ऑक्सीजन कम करेंगे तो ऑर्थोफॉस्फोरस, उसमें से एक और कम करेंगे तो हाइपोफॉस्फोरस। ये लिख के आएगा हाइपोफॉस्फोरस ऑर्थोफॉस्फोरस, ये वाला ये स्ट्रक्चर नहीं देता है। दूसरा पॉइंट, इसी में से ये जो दिख रहा है बेटा, इसके दो मॉलिक्यूल ले लीजिए आप, H3PO3 के दो मॉलिक्यूल, H3PO3 के दो मोल ले लीजिए, ये टू। अच्छा बेटा, इसके दो मोल में से H2 को आप गिव अप कर दीजिए, H2, तो दो मोल में से H2 को गिव अप किया तो आपके पास हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, 6 में से दो हाइड्रोजन आउट हो गए। ये देखिए, इसके दो मॉलिक्यूल लिए, उनमें से H2 को गिव अप कर दिया तो 6 में से दो हाइड्रोजन गिव अप हो गए, तो हाइड्रोजन 4 बच गए। चेक करेंगे बेटा आप, H4 बच गए, P2 हो गया देखो, और ऑक्सीजन 6 में से एक ऑक्सीजन कम हो गया बेटा, तो 5 बच गया। अच्छा चेक करेंगे बेटा, H4P2O5 बन गया, और इसका नाम होगा बेटा, ये जो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड था बेटा, अब ये पाइरोफॉस्फोरस बन गया बेटा। डबल से H2O बाहर निकल रहा, जो कंपाउंड बचता है उसका नाम पाइरो, पाइरोफॉस्फोरस फॉस्फोरस एसिड, ये बेटा पाइरोफॉस्फोरस हो गया। अब इसी H3PO4 में से आप एक ऑक्सीजन प्लस कर देंगे बेटा, ये ऑक्सीजन प्लस कर दिया आपने, तो यू हैव अ फॉर्मूला H3PO5, ये बेटा H3PO5 बन गया। और H3PO5 का जो नाम है बेटा आपके पास, वो है बेटा आपके पास फॉस्फोरिक एसिड की जगह पर, और तो फॉस्फोरेगा, ये आपका पर फॉस्फोरिक एसिड, पर लग जाएगा बेटा, एक ऑक्सीजन एड ऑन करने पर रिक वाले में पर लग जाएगा, पर फॉस्फोरिक एसिड, पर फॉस्फोरिक। अच्छा राइट साइड वाले सारे रिक है, लेफ्ट साइड वाले सारे ROUS है। तो आप देखिए, पर फॉस्फोरिक एसिड के बाद मैंने इसमें से H2 गिव अप कर दिया, -H2, ये इसी H3PO4 में से H2 को गिव अप कर दिया, तो ये बन जाएगा मेरे पास H3 की जगह पर HPO3, ये बन जाएगा बेटा इसका नाम मेटा फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज मेटा फॉस्फोरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अच्छा बेटा, इस मेटा फॉस्फोरिक एसिड में से हमने लिया बेटा, मेटा फॉस्फोरिक एसिड में से इसके दो मोल लिए, देखो इसके दो मोल लिए, H3PO4 के दो मोल में से अगेन H2 बाहर निकाल दिया बेटा हमने, ये देखिए, तो कंपाउंड बन गया हमारे पास H4P2O7, दिस इज पायरो फॉस्फोरिक एसिड, पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ये आपका पायरोफॉस्फोरिक एसिड। चलने दो थोड़े से, चलने दो, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अच्छा पायरोफॉस्फोरिक एसिड के बाद अगर हमने इस पायरोफॉस्फोरिक एसिड में से H2 और कम कर दिया बेटा, इसमें से H2 कम कर दिया, तो वी हैव H2 आपके पास आ गया P H2 आपके पास आ गया O6।